जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। जय भोले की। व्हाट्सएप फोन काटना पड़ गया। हाँ जी बताइए। कोई बात नहीं सर। सर मेरे को आपकी सारी वीडियो देख के इतनी प्रेरणा मिली है ना कि मैं बता नहीं सकती सर आपको। मैं इस बार सर यात्रा करना चाहती हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। और सर मेरा मन यही है कि मैं पहली बार जा रही हूँ, तो मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। अच्छा, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? सर मैं यूपी बरेली से बात कर रही हूँ। यूपी बरेली से? तो मैडम हमारे तो रजिस्ट्रेशन वगैरह हो गया आपका, कुछ नहीं हुआ अभी कुछ भी? सर मैं आज अपना मेडिकल करवा लूंगी, आज या कल में हो जाएगा मेडिकल मेरा, फिर सर वो परमिट वाला लफड़ा रह जाएगा। वही सबसे बड़ा वो है, वही टिकट है कि टिकट मिलेगी जब यात्रा पे जा पाएंगे। और तो आप वैसे तो यह है, आप मुझसे जहाँ कहेंगे, क्योंकि हमारी हमारे साइड से सर ट्रेनें सिर्फ जम्मू तक ही हैं, उससे आगे नहीं है, तो मैं आपको उधमपुर वहीं से आप जितने बजे कहेंगे मैं आपको जम्मू आपकी ट्रेन पे ज्वाइन कर लूंगी। कोई बात नहीं जी, आप अकेले ही हैं और कोई भी साथ में? नहीं सर मैं अकेले, क्योंकि बेटा 9 साल का है, तो हम दोनों में से एक ही जना जा सकता है, क्योंकि फिर उसके स्कूल खुल जाएंगे तो फिर समस्या हो जाएगी, वो जा नहीं सकता। ठीक है जी, अभी देखो आपके पास दो ऑप्शन है, दो या तीन ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ। पहला तो ये है कि आप जब अपना मेडिकल करवा लेंगे, तो मेडिकल कराने के बाद जो आपके स्टेट की लिस्ट आई है ना जी सर, उसके हिसाब से आप अपना बैंक में जाके पता कर लेंगे 2 तारीख का परमिट पहलगांव रूट से मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। जी जी, अगर मिल रहा है फिर तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप करवा लीजिए रजिस्ट्रेशन, फिर मुझे बताइए, फिर आगे का प्रोसेस मैं आपकी जो भी मदद होगी करूंगा। ठीक है जी सर, बस मुझे सर एक सीट बस में दिलवा दीजिएगा, बस एक ही दिलवा दूंगा मैं, कह तो रहा हूँ। और आप सीट नहीं भी दिलवाएंगे ना, मैं अपने नीचे चादर बिछा के आपकी बस में ऐसी चली जाऊंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं आपके भाव समझ गया, इसलिए तो मैं आपको कह रहा हूँ, नहीं तो अपने बंदी सर मैं अपनी माता रानी के वहाँ तो बहुत बार अकेले अपने बेटे को ना सर, वो 3 साल का था, जब से अकेले लेके जितनी बार मेरी माता रानी मुझे बुलाती है उतनी बार उनके पहुंच जाती हूँ मैं। अच्छा। लेकिन भोले बाबा ने अभी तक नहीं बुलाया, मैं 12 साल से ट्राई कर रही हूँ सर जाने के लिए। ओहो, अमरनाथ जी कभी प्रोग्राम ही नहीं बन पाया मेरा, मैं हर बार सोचती हूँ लेकिन मेरा प्रोग्राम ही नहीं बन पाता कभी। चलो दीदी मैं आपको ना ऑप्शन बता देता हूँ, ठीक है? एक्चुअली मैं फ्री होता तो मैं कुछ आपकी मैं तो फोन पे ही पूरा दिन हो जाता है मेरा, तो फोन। नहीं नहीं सर आप टेंशन मत लीजिए, बस मेरा ये सब काम हो जाएगा, मैं आपकी ट्रेन का आप बस मुझे अपनी ट्रेन बता दीजिए कितने बजे पहुंचेगी। आप मैं आपको लिस्ट भेज देता हूँ बैंक की ना, उस बैंक में जाके पता कर लीजिए कि 2 तारीख पैरगांव रूट का परमिट है कि नहीं। सर हमारे यहाँ ना यस बैंक से हो रहे हैं शायद। हाँ मैं आपको पूरी लिस्ट भेज देता हूँ ना, तो जी आप पहले आपके घर के नियर बाई हो पहले वहाँ जाइएगा, अगर 2 तारीख का नहीं मिलता तो 1 तारीख का ले लीजिएगा, 1 का ना मिले 30 का ले लीजिएगा, 3 से 1 2 3 में से जो मिल जाए ले लो। ठीक तो है सर, उसमें भी आपका साथ तो मिल ही जाएगा ना? हाँ हाँ मिल जाएगा सर। मैं सच में आपसे इतनी प्रेरित हुई ना, मैंने कोई वीडियो आपकी छोड़ी नहीं है, मैं पूरा दिन यही देखती रहती हूँ और कुछ नहीं करती हूँ। बहुत वीडियो आती है। अभी मैं अपनी माता रानी के यहाँ भी जा रही हूँ, 8 जून को वहाँ पे जाने का हमारा है, 15 तारीख को हम वहाँ से लौट के आएंगे। बहुत बढ़िया जी, तो एक तो ऑप्शन ये दीदी, दूसरा ऑप्शन ये है ना कि बीच बीच में ना ऑनलाइन भी परमिट आ रहे हैं, जैसे जिन लोगों के रिजेक्ट फॉर्म आते हैं तो 1 तारीख के 2 तारीख के भी 15 लोग कैंसिल अगर करवाते हैं। हाँ तो फॉर्म आ जा रहे हैं, तो आप वहाँ भी नजर रखिए, बाकी मैं आपका हम भी वीडियो बना के डाल लेते हैं जैसे आता है परमिट। वो मैं बिल्कुल अपग्रेड रहती हूँ सर आपकी हर वीडियो का, पूरी देखती हूँ। हाँ तो ध्यान से। और फिर तीसरा ऑप्शन बचा दीजिए कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन जी, आप जम्मू पहुंच जाए, पर उसमें ये कि आपके 2 दिन थोड़ा खराब हो जाएंगे। सर ऐसा नहीं हो सकता, जैसे हम 15 तारीख तक जम्मू में रहेंगे तो 15 जून को हम वहाँ से करवा के वापसी आ जाए, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता? 15 जून तक वहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं होगा, यात्रा से मेरे ख्याल से 4-5 दिन पहले शुरू होंगे। अच्छा अच्छा, या 30 तारीख की यात्रा है तो, क्योंकि हम 15 तारीख को जम्मू वहीं पर होंगे सर, 8 को जाएंगे हम। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन ना यात्रा से पहले तो वही है ना, इतनी पहले शुरू नहीं करेंगे क्योंकि यात्री आएंगे। नहीं लेकिन वही मतलब बात है ना सर, जैसे मैं अकेले ही यहाँ से पूरा अकेले ही करूंगी, तो मैं ये चाहूंगी, मैं भी क्या आप भी यही चाहेंगे कि सब कुछ फॉर्मेलिटी पहले से पूरी होके चले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छा है, तो उसके लिए दो ही ऑप्शन होते हैं दीदी, एक बैंक वाला और एक ऑनलाइन वाला। बस तो आप अपना मेडिकल करा लीजिए पहले, और उसके बैंक में जाके आपको 30 का 1 ही चाहिए आपको, क्या था किस्मत प्रभु की। अभी मेरे को ना, मैं सही बता रही हूँ, मेरे हस्बैंड भी यही कह रहे थे कि मुझे लग रहा है आपकी बार तुम्हारा बुलावा आ ही गया है, तुम हो आओ। तो बस तो ये मान के चलिए इसी पॉजिटिव एनर्जी का जाइए, अपना मेडिकल कराइए। और बैंक की लिस्ट है आपके पास? नहीं सर मेरे को ये पता है कि हमारे यहाँ यस बैंक से हो रहा है। नहीं नहीं मैं पूरी बैंक की लिस्ट भेजता हूँ आपको ना, उसमें अपना यूपी का देख के बैंक में जाकर पता कीजिए, फिर मुझे शाम तक बताइए क्या अपडेट रहा। ठीक है सर, क्योंकि मैं आज नहीं तो कल मेडिकल तो मेरा हो जाएगा बड़े आराम से, उसकी कोई टेंशन नहीं। बाकी मैं आपका नंबर लिखता हूँ, बाई चांस ऑनलाइन कुछ निकला तो मैं फटाफट आपको कॉल। जी जी जी, आप मेडिकल करा लीजिए, और मेडिकल में नीचे ना स्टैंप अच्छे से मरवाइएगा जो नजर आए, क्योंकि ऑनलाइन में दिक्कत आती है फिर। ठीक है, डॉक्टर से MCI नंबर भी डलवाइएगा। ठीक है, MCI नंबर सर? MCI। अच्छा MCI वो लिखा रहता है नीचे फॉर्म में ना, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ, वो देख लीजिए मेडिकल कैसे चेक करें। ठीक है, नहीं वो मैंने मेरे पास है सर,
मैंने आपकी हर चीज देख रखी है, मेरे को कोई इंक्वायरी नहीं है सर, मैंने हर चीज बहुत ध्यान से। ठीक है, आप अपना मेडिकल कराइए आज और मैं आपको भेजता हूँ लिस्ट, उसके साथ देखिए शाम को बताइए मुझे। ठीक है, मैं बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।